राजधानी के महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय में आज नवप्रवेशी छात्र छात्राओं को वेलकम पार्टी देकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मनोनीत छात्र संघ अध्यक्ष व पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर गिरीशकांत पांडे मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अजय तिवारी व प्राचार्य डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी मौजूद रहे। महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय में एक परंपरा रही है कि जो नए छात्र प्रवेश लेते हैं, सीनियर छात्र उनसे अपनत्व की भावना से उनसे बात करते हैं और यहाँ पे प्राचार्य प्राध्यापक गण भी उनसे अपनत्व की भावना से बात करते हैं और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ प्राध्यापक लोग प्रत्येक छात्र छात्राओं को नाम से बुलाते हैं और अध्ययन की तरफ हम ध्यान दें तो प्राध्यापकों का ये रहता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो आप बार बार हमसे पूछिए, हम बार बार उनका रिप्लाई देंगे। सर्कुलर आया है सभी विश्वविद्यालयों में कि अपने विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में जितने ही महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय के विभाग हैं वहाँ दीक्षारम्भ का एक कार्यक्रम होना चाहिए। दीक्षारम्भ कार्यक्रम जो होता है उसे जो नव प्रवेशित छात्र हैं और पुराने छात्र हैं इसके बीच में एक सामंजस्य स्थापना होता है और जो पुराना एक बहुत बड़ा बुराई था रैगिंग का उसको धीरे धीरे जड़ से समाप्त करना है, उसका एक ये भी एक कड़ी है उसमें जोड़ने के लिए। आज महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय का फ्रेशर्स पार्टी के साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इस सत्र में जो बच्चे मनोनीत हुए हैं मेरिट लिस्ट बेस पर उन बच्चों का आज शपथ ग्रहण समारोह भी है। साथ ही फर्स्ट ईयर के बच्चों का एक रिफ्रेशर ओरिएंटेशन का कार्यक्रम भी किया गया है। वेलकम पार्टी में छात्र छात्राओं ने डीजे की धुन पर जमकर थिरके। प्रवेशी इन छात्र छात्राओं ने कहा कि स्कूल के बाद कॉलेज में पहली बार कदम रखते ही उन्हें डर का आभास होता था, किंतु इस वेलकम पार्टी ने उनके मन से डर का भाव समाप्त कर दिया है। जो महाविद्यालय और सभी छात्र संगठन द्वारा मिलकर समन्वयन से यहाँ पे मनाया जाता है और जो फर्स्ट ईयर के जो छात्र होते हैं जिन्हें फ्रेशर पार्टी दिया जाता है उनके सीनियर्स के द्वारा, वो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और वो आने वाले अपने दिनों के लिए वो तैयार होते हैं और साथ ही जो उनके जो पढ़ाई के बीच में जो थोड़ा सा जो मज़ा होता है, थोड़ा सा डांस होता है, मिस्टर फ्रेशर मिस इवनिंग के जो खिताब होते हैं वो उनसे जीतने के बाद उनकी एक अलग ही दिलचस्पी बढ़ती है। छात्र संघ चुनाव तो पिछले 3 सालों से हमारे कॉलेज में होता आ रहा है, जैसे कि इस बार हमारे कॉलेज में हमारे प्राध्यापकों ने छात्र संघ जो चुनाव होते हैं उसको बैन करके अपने से छात्रों को चयनित किया गया है, जिसमें जो छात्र चयनित हुए हैं वो अपने क्लास के टॉपर को घोषित किया गया है। ये हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल व बाकी पदाधिकारी अध्यक्षों लोगों का ये कहना है। जैसे कि और ये छात्र संघ चुनाव की बातें जो होती है, जैसे कि अपन मानते हैं कि छात्र संघ चुनाव के टाइम में हुड़दंगिरी होती है, कुछ जगह मारपीट होती है, कुछ जगह हाथापाई होती है, इन सब चीज़ों से बचने का ये भी एक साधन हो जाता है। For more information, log on to www.clips.in.